हेलो स्टूडेंट्स, चलो हम नया आज सम लेते हैं। सम नंबर 6, इलस्ट्रेशन 6 पे जा रहा हूँ, पेज नंबर 37। सब लोग टेक्स्ट बुक निकालो, मेरे साथ आ जाओ। पेज नंबर 37, इलस्ट्रेशन नंबर 6। आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ श्रेयस एंड नुंदल एंड एडजस्टमेंट्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। चलो स्टार्ट करता हूँ। कैपिटल अकाउंट दिया है, मतलब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। श्रेयस और नुंदल का क्रेडिट साइड अमाउंट है, मतलब बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड जाके लिखना होगा। परचेज ट्रेडिंग के डेबिट में, सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट में, बिल्स रिसीवेबल असेट, बिल्स पेबल लाइबिलिटी, कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। उसके बाद इंश्योरेंस 9 मंथ्स 9000 दिया हुआ है। अब 9 मंथ्स मतलब ईयर एंडिंग क्रॉस नहीं कर रहा है, डेट को क्रॉस नहीं कर रहा है, मतलब आउटस्टैंडिंग एड और लाइबिलिटी होगा। 9000 डिवाइड बाई 9 करना, 1000 आएगा। 9 मंथ्स का पे किया था, 3 मंथ्स का आउटस्टैंडिंग था, बाकी था पे करना, तो 1000 इंटू 3 करना, 3000 आएगा। 3000 ऐड होगा इंश्योरेंस में और दूसरा इफेक्ट लाइबिलिटी में जाएगा। ऐड और लाइबिलिटी 3000 हो जाएगा। प्रीपेड रेंट असेट में जाएगा, प्रीपेड रेंट असेट में जाएगा। क्रेडिटर लाइबिलिटी, डेटर असेट, पोस्टेज प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, थ्री ओल्ड प्रीमाइसिस असेट, फर्नीचर असेट, बैड डेब्ट्स, ये ओल्ड बैड डेब्ट्स है, आरडीडी टेबल में ओल्ड बैड डेब्ट्स में जाएगा। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक असेट। उसके बाद कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग के डेबिट में, कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, स्टॉक 1 अप्रैल 2018 ओपनिंग स्टॉक होगा ट्रेडिंग के डेबिट में। उसके बाद रिटर्न्स, अब याद रखना रिटर्न्स मेंशन नहीं किया है, तो जो डेबिट वाला रिटर्न होता है वो सेल्स रिटर्न होता है और जो क्रेडिट में अमाउंट दिया है वो परचेज रिटर्न होता है। जब अपने को रिटर्न मेंशन नहीं करेंगे कौन सा परचेज कौन सा सेल्स है, तो डेबिट में जो अमाउंट दिख रहा है तुमको वो सेल्स रिटर्न होगा और जो क्रेडिट में अमाउंट दिख रहा है वो परचेज रिटर्न होगा। तो जो 1200 है वो सेल्स रिटर्न है, सेल्स से माइनस होगा। 1800 परचेज रिटर्न है, परचेज से माइनस होगा। उसके बाद वेजेस ट्रेडिंग के डेबिट में, आउटस्टैंडिंग वेजेस लाइबिलिटी में, ये दोनों आपस में कुछ लेना देना नहीं है। वेजेस को ट्रेडिंग के डेबिट में डालना, आउटस्टैंडिंग वेजेस सीधा लाइबिलिटी में आउटर कॉलम। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के क्रेडिट में, बैलेंस शीट के असेट में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस सैलरी और कमीशन पे बोला है, दोनों में जाके प्लस करना खुद खुद में। सैलरी में जाके प्लस करो लाइबिलिटी, कमीशन में जाके प्लस करो लाइबिलिटी। उसके बाद डेप्रिसिएट फर्नीचर 10%, 2000 अमाउंट आएगा, फर्नीचर से माइनस होगा, दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा। प्रोवाइड फर्दर बैड डेट्स 1200, अब बैड डेट्स बोला है, डेटर से माइनस करना और बैड डेट्स है तो दूसरा किधर जाएगा, दूसरा किधर जाएगा, बैड डेट्स बोला है तो डेटर से माइनस करेंगे और दूसरा इफेक्ट किधर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, जो आरटीडी टेबल है उसमें न्यू बैड डेट्स में जाएगा। उसके बाद गुड्स ऑफ 5000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ 2000 ओनली। अब अपने को डिस्ट्रॉयड बाय फायर कितना था, 5000, और इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम कितने का एडमिट किया, 2000। तो ये इकलौता ऐसा एडजस्टमेंट है जिसके तीन इफेक्ट होते हैं, ये इकलौता ऐसा एडजस्टमेंट है जिसके तीन इफेक्ट होते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में पूरा का पूरा अमाउंट आएगा, दैट इज 5000। बैलेंस शीट के एसेट में 2000, बैलेंस शीट के एसेट में 2000 जितना इंश्योरेंस कंपनी से मिला और दोनों का डिफरेंस 3000, ये किधर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा। ये किधर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा। तो सबको समझा होगा तीन इफेक्ट आएगा, ये इकलौता ऐसा एडजस्टमेंट है जिसके तीन इफेक्ट है। ट्रेडिंग के क्रेडिट में 5000 आएगा बाय गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर, बैलेंस शीट के एसेट में 2000 आएगा, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड और दोनों का डिफरेंस 3000, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में टू लॉस बाय फायर आएगा। उसके बाद श्रेयस एंड नुंदल आर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। दिस इज जस्ट एन इन्फॉर्मेशन, नॉट एन एडजस्टमेंट। ये खाली एक इन्फॉर्मेशन है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो ये इन्फो है, इसको जो भी नेट प्रॉफिट आता है या नेट लॉस आता है उसको 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। नेट प्रॉफिट आएगा 2:1 में बांटना और फिर पार्टनर्स कैपिटल में पोस्ट करना और बैलेंस शीट में ट्रांसफर करके तुम्हारा बैलेंस शीट शुड बी मस्ट बी टैली होना चाहिए। क्लोजिंग मैं एक बार तुमको अच्छे से क्लोजिंग समझाता हूँ, ध्यान से समझना। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करना, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। ट्रेडिंग अकाउंट के अगर डेबिट में बैलेंसिंग फिगर आता है तो ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर क्रेडिट में बैलेंसिंग फिगर आता है तो ग्रॉस लॉस। फिर ग्रॉस प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस में हम ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में हम ट्रांसफर करते हैं तो क्रेडिट साइड जाएगा, अपोजिट साइड जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग के डेबिट में आया था तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में जाएगा। उसके बाद अगर ग्रॉस लॉस आया है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा, इसलिए फर्स्ट लाइन ब्लैंक छोड़ने का, क्योंकि हमको स्टार्टिंग से मालूम नहीं है ग्रॉस प्रॉफिट आने वाला है या ग्रॉस लॉस आने वाला है, तो प्रॉफिट एंड लॉस का फर्स्ट लाइन ब्लैंक ही छोड़ देना, ठीक है।
रिवर्स करना है। अगर ग्रॉस प्रॉफिट आया तो ट्रेडिंग के डेबिट में होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में आएगा, और अगर ग्रॉस लॉस आया बाई चांस तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा। अब प्रॉफिट एंड लॉस तुम क्लोज करोगे सेकेंड, उसको क्लोज करके तुमको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आता है। तो अगर डेबिट में बैलेंसिंग फिगर आया नेट प्रॉफिट, क्रेडिट में बैलेंसिंग फिगर आया नेट लॉस। फिर आगे पार्टनर्स कैपिटल थर्ड क्लोज करने का, नेट प्रॉफिट वापस रिवर्स करने का। अगर नेट प्रॉफिट आया है सम में तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में है तो पार्टनर्स के क्रेडिट में जाएगा। उसके बाद अगर नेट लॉस आया है तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में है तो पार्टनर्स के डेबिट में जाएगा। फिर पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करेंगे, हैवी साइड करेंगे, जहाँ बैलेंसिंग फिगर आएगा अगर डेबिट में आता है तो लाइबिलिटी में जाएगा, क्रेडिट में आता है असेट में जाएगा। अगर तुम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हो तो डेबिट में ही बैलेंसिंग फिगर आएगा और वो लाइबिलिटी में ही जाएगा, और अगर पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाते हो तो शायद क्रेडिट में भी बैलेंसिंग फिगर आ सकता है जो असेट में जाएगा। कभी कभी एक क्रेडिट एक डेबिट भी आ सकता है, तो जो डेबिट वाला है वो लाइबिलिटी में डालना, जो क्रेडिट वाला है वो असेट में डालना। और फिर हम लास्ट बैलेंस शीट क्लोज करेंगे, लाइबिलिटी और असेट प्लस करेंगे, देखेंगे दोनों सेम आ रहे हैं या नहीं। सेम आने ही चाहिए, जब सेम आएंगे तभी तुम्हारा सम क्या होगा 100% राइट होगा और फुल मार्क्स सब बच्चों को मिलेंगे। आई होप सबको क्लोजिंग भी समझा होगा, बच्चों के डाउट थे सर क्लोजिंग बताओ, इसलिए मैंने ये वीडियो में क्लोजिंग भी बताया है कैसे करते हैं। आई होप सबको समझा होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो।